केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के हमारी टीम लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक हर एक प्रत्याशी की जो सोच है वो पहुंचा सके। इसीलिए हमारी टीम आज पहुंची हुई थी ग्राम पंचायत किसनदासपुर, जहां की मुखिया प्रत्याशी आराधना देवी के प्रतिनिधि आशीष रंजन जी से बातचीत हुई हमारे सहयोगी की। क्या कुछ बातें हुई है आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है, चुनावी बिगुल बज चुका है। कई चरणों में मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया है वहां पे लोगों ने अपने गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है। जहां जहां बाकी है प्रत्याशी अपना नामांकन करके अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात आराधना देवी के प्रतिनिधि कुमार आशीष रंजन जी से हुई, जो कि कालगांव प्रखंड के किशनदासपुर पंचायत से हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या सपना लेके आए हैं अपने पंचायत को संवारने के लिए, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक युवा है। युवा शक्ति पंचायत को आगे बढ़ाएगी, युवा देश का तकदीर है। इन्हीं से जानते हैं। आशीष जी, आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि गरीबों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, जितना भ्रष्टाचार है वो सब चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ। जो भी यहाँ मनरेगा के थ्रू जो भी कम होता है और सभी जो भी सारे फंड है कि नाला हो गया, रोड हो गया, और सही ढंग से विकास नहीं हो पाता जी, इसी उद्देश्य से लेकर आप समाज में आए। आपके पंचायत में कितने वार्ड? 13 वार्ड। 13 वार्ड में समस्या क्या क्या? समस्या तो बहुत सारी है। वही बताएं आप अपने पंचायत की जनता है क्या क्या समस्या है आपके नजर। समस्या है कि गरीबों की बात यानी कि सुनना कोई पसंद नहीं करता। ठीक, एक अगर कोई अगर साइन भी करवाना यानी कि चाहता है तो उसके लिए उसको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बोलता है कि टाइम नहीं है, बाद में आना, यानी कि कुछ भी है कि हमेशा जो है ना कि पैसे वालों की ही कदर होती है। कदर होती है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम होगा? जितने सारे काम आते हैं ऊपर से तो सब चीज पे बढ़िया से एक काम होगा, जो भी होगा, यानी कि जो भी सबका हक है बराबर रूप से। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को बताएं कौन कौन सा काम आपके द्वारा होगा, कुछ तो सोचे होंगे। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, बेमानी वाला चीज है, वो सब चीज को खत्म करना है। वो सब चीज को खत्म कर देना है, यानी पहला सबसे पहला होगा भ्रष्टाचारी घुसखोरी करता खत्म हो। आप अगर मुखिया बन के आते हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपके पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? पंचायत में शिक्षा का स्तर खास करके यहाँ किशनदासपुर पंचायत में अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है जी, और टीचर सब उतना पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ क्या बताएं, बस वही चीज हो जाता है कि पैसा के मामले में सब गिरा हुआ इंसान है जी। तो पैसा के इसमें अगर लोग फंस जाते हैं तो शिक्षा का भी स्तर गिरता जा रहा है। यहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए विद्यालय है? हाँ है, सब उसी में है। उसी में उच्च विद्यालय की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स हाई स्कूल नहीं, पर्सनल नहीं, लड़कियों की पर्सनल। यहाँ की लड़कियां पढ़ने काफी दूर जाती है? नहीं, वो साथ में ही है। साथ में ही है। तो आप वो अगर जीत के आएंगे तो इस बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान देंगे? हाँ देंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो बहुत सारे घर में देखते हैं गरीबी के कारण जो है कि गिरधारा भी जो भी है वो सबका थोड़ा अनवेल्यू होता है। मेरा उद्देश्य है कि अगर इससे जो भी होता है ऊपर बात करके कि उसके लिए कुछ अलग एक संस्था चलाने का सोच है। संस्था चलाने का पहल लेके आए, कहेंगे आप एक युवा है। अब आप ये बताइए आपके पंचायत में उपचार उप स्वास्थ्य केंद्र है? उपचार केंद्र है ना, बरैया में। बरैया में ही तो क्या वहाँ पे डॉक्टर है? डॉक्टर सब आते हैं। सब आते हैं, मतलब ये व्यवस्था अच्छी है? ये व्यवस्था अच्छी है।
ये व्यवस्था अच्छी। अब आप ये बताएं आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल का मैदान, क्योंकि आप एक युवा प्रतिनिधि है, बरोया में भी है, किशनदासपुर में भी है, तो युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान का भी व्यवस्था भी ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के पंचायत के जो कुछ युवा हैं, कुछ बेरोजगार भी हैं, उसको आपको इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? जो भी यहाँ के मजदूर हैं अपने पंचायत का, यहाँ हम सोच रहे हैं कि जो भी दिल्ली पंजाब खटते हैं तो उसको रोजगार हम यहीं पर अगर देते हैं। किस टाइप का रोजगार होगा? क्योंकि मनरेगा का बहुत सारा फंड आता है जी, अगर हम अपने पंचायत के ही लोगों को खटाएं, अगर हम ज्यादा नहीं 200 आदमी को ही अगर काम देते हैं, तो जो 200 आदमी अपने पंचायत का बाहर काम करता है उसको बाहर जाने की जरूरी नहीं है, घर का भी काम होगा और उसको रोजगार होगा। तो उनका पंचायत के लोग पंचायत में ही रह जाएंगे और काम भी उनको मिलता है, बेहतर ढंग से काम। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा पर और महिला सशक्तिकरण, कैसे बनाऊंगे यहाँ पर महिला सुरक्षा का स्तर कैसा है? यहाँ सब तो ठीक ही, महिला सुरक्षा ठीक है, महिला सुरक्षा सब ठीक। महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? सशक्तिकरण में छोटे छोटे उद्योग लगा के आप उनको रोजगार देकर जागरूक करके बढ़ावा दे सकते हैं, क्या ये काम होगा? हो जाए तो छोटे छोटे उद्योग में आ गया आपका मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, दिया सलाई, अगरबत्ती उद्योग, वो तो मैं पहले से इनकी सोच के रखे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण पे इतना काम आप करेंगे? पहले से ही सोच के रखे हैं कि जो बाहर रहने काम करते हैं, जो भी हमसे सफल है बाहर से हम जो उसको बुला के यही कुछ को रोजगार देंगे और बाहर जाने की उसकी जरूरत है, उसको बाहर जाने की महिला को भी जरूरत नहीं। अब आपसे लास्ट सवाल ये है, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी काम होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आता है शिक्षा, शिक्षा अगर मजबूत रहेगा तो उसको हिला नहीं सकता जी। तो मेन फोकस मेरा शिक्षा पे रहेगा जी। अगर हम वैसा जनता अगर हमको मदद करता है, उनकी आशीर्वाद हमको मिलता है, तो सबसे पहले मेरा रहेगा शिक्षा में सुधार जी, शिक्षा में सुधार होगा, ये संदेश है आपके पंचायत वासियों को। यानी कि वो मेरे पापा भी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे जी, तो हम भी सोच रहे हैं कि बस उन्हीं के रास्ते पे हम भी चले। तो शिक्षा का स्तर आप आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा जैसे आगे बढ़ेगा तो अपने आप पंचायत ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगेगा, ये संदेश आप देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कुमार आशीष रवि। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी का नाम बताएं। आराधना देवी मेरी मम्मी है। आपकी माता श्री आराधना देवी जो एक मुखिया प्रत्याशी हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू छाप। टेम्पू छाप क्रम संख्या कितना? 4। 4 नंबर पे टेम्पू छाप है। आप पंचायत की जनता को यही अपील कर रहे हैं कि टेम्पू छाप पर मोहर लगाएं और आपको भारी बहुमत से विजय मिला। फिलहाल बने रहे कैलाश टाइम्स के साथ, धन्यवाद।